क्या हाल चाल है दोस्तों, आ गया हूँ मैं एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके आप सभी के सामने। और आज हम कुछ स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं। आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस वन प्लस नॉर्ड कैमरा के। देख सकते हैं आप, ये काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी ही दमदार फ़ोन है। तो इस फ़ोन के सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ और इस फ़ोन का हम पूरा कैमरा टेस्ट करेंगे। और हाँ, मैं इस वीडियो में आप सभी को ये भी बताने वाला हूँ कि क्या ये बेस्ट बजट कैमरा फ़ोन है जिसे आप परचेज कर सकते हैं या नहीं। तो वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ़ोन के बैक में हमें देखने को मिल जाता है एक क्वाड कैम का सेटअप, जिसमें है एक प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का f1.75 एपर्चर के साथ। फिर दूसरा आता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो आता है f2.25 के साथ। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे दो डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाते हैं, एक 5 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल का, दोनों ही आते हैं f2.24 एपर्चर के साथ। तो फ्रंट साइड में हमको देखने को मिल जाते हैं दो कैमरे। पहला जो है वो 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और एक है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। तो हम जो सबसे पहली टेस्टिंग है वो हम करने वाले हैं इसके फ्रंट कैमरा की। तो ये जो वीडियो है मैं इसके 32 मेगापिक्सल वाले फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी है वीडियो की, काफ़ी सब सेचुरेशन कॉन्ट्रास्ट वीडियो की सारी क्वालिटी सही है। और ये इनबिल्ट माइक है, इसमें मैंने कोई एक्सटर्नल माइक्रोफोन का यूज़ नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं, आपको ही पता चल जाता होगा कि ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। देख सकते हैं आप, जैसे कि मैं कंटिन्यूसली वर्क कर रहा हूँ तो वीडियो स्टेबिलाइजेशन भी काफ़ी सही है, इतनी बुरी नहीं है। तो फ्रंट में हमें दो कैमरे मिल जाते हैं, एक है 32 मेगापिक्सल का जो है प्राइमरी कैमरा फ्रंट का, और एक मिलता है हमें वाइड एंगल कैमरा, वो है 8 मेगापिक्सल का। तो अब हम वाइड एंगल पर स्विच करते हैं। तो ये वाली जो वीडियो है मैं इसके वाइड एंगल कैमरा से शूट कर रहा हूँ और देख सकते हैं वाइड एंगल में बाकी सब सही है, बस हमें कलर्स थोड़े डल लग रहे हैं नॉर्मल कैमरा के मुकाबले। और देख सकते हैं कैमरा काफ़ी वाइड है एंड स्टेबिलाइजेशन इसमें भी सही है और ऑडियो क्वालिटी तो आप सुन ही सकते हैं। तो ओवरऑल फ्रंट कैमरा का रिव्यू सही रहा वीडियो का। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये इसके प्राइमरी कैमरा से शूट किया गया है जो है 48 मेगापिक्सल का। तो आप देख सकते हैं काफ़ी तगड़ी वीडियो आ रही है यहाँ से, कॉन्ट्रास्ट सेचुरेशन एवरीथिंग जस्ट ओके, सब सही है, कोई ओवर शार्पनिंग नहीं है, सब सही है। और इमेज स्टेबिलाइजेशन भी काफ़ी अच्छे से वर्क करी है, मैं वर्क कर रहा हूँ लेकिन यहाँ वीडियो बिल्कुल भी अनस्टेबल नहीं हो रही। तो ये वाली वीडियो जो आप देख रहे हैं ये अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा जो अपना है 8 मेगापिक्सल का, उससे हम ये शूट कर रहे हैं। तो वाइड एंगल में बस एक ही दिक्कत है कि फ़ोटो थोड़ी ओवरऑल थोड़ी डल हो जा रही है, थोड़ी लाइटनिंग प्रॉब्लम हो रही है, बट कॉन्ट्रास्ट सेचुरेशन मुझे सही लगा, ज़्यादा फीके नहीं लग रहे हैं। देन अगर हम इसके कैमरा के सेटिंग्स पे जाएं जहां ऊपर एक सेटिंग का ऑप्शन है, अगर हमें क्लिक करें तो वहां हमें बहुत सारे चीज़ यहां पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमें एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाते हैं, आपको किस टाइप में शूट करना है, कौन सा एस्पेक्ट रेशियो में। देन यहां पे हमें वीडियो रेजोल्यूशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहां हमें जो है चार वीडियो के रेजोल्यूशन मिल जाते हैं, फर्स्ट है 1080 एंड 30fps, सेकेंड वाला है 1080 60fps, थर्ड में है 4K 30fps एंड लास्ट में है 4K साइन 30fps में। तो यहाँ हमें 4K वीडियो भी मिल जाती है, लेकिन अगर 4K 60fps पर रहता तो काफ़ी और अच्छा हो सकता था मेरे हिसाब में, बट अगर इन्होंने नहीं दिया तो कुछ सोच के ही होगा। तो सबसे पहले हम इस बैक कैमरा के ऑटो फोकस को टेस्ट करते हैं कि कैसे वर्क करता है, कितना स्पीड है। तो आप देख सकते हैं मैं उस ऑब्जेक्ट के पास जाते ही फटाक से उसे फोकस कर ले रहा है, देख सकते हैं आप कितनी क्लियर कट और कितनी स्पीड इसकी फोकस है। रिएक्शन टाइम 1-2 सेकंड भी नहीं है, देख सकते हैं आप कितनी इजीली और कितनी जल्दी से ये फोकस कर लेता है। तो अब मैं आप सभी को कुछ सैंपल दिखाता हूँ इसके फ़ोटोज़ के। तो ये पहली फ़ोटो है जो मैंने ऑटो फोकस से क्लिक किया था, मैंने कोई मैक्रो मोड का यूज़ नहीं किया, लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी तगड़ी फ़ोटो आ रखी है, आप क्वालिटी एंड डिटेल्स देख सकते हैं फ़ोटो की। देखिए इतने जूम करने के बाद भी आपकी डिटेल्स कम नहीं हो रही है इस फ़ोटो की, देख सकते हैं काफ़ी तगड़ी लगी मुझे ये फ़ोटो बिना कोई मैक्रो मोड के ऑटो फोकस में, वो भी प्राइमरी कैमरा से।
इतनी तगड़ी फ़ोटो आ रही है और परफेक्ट डिटेल्स के साथ, तो मुझे तो काफ़ी बेहतर लगा इसका कैमरा। मैं आपको और कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप फ़ोटो की क्वालिटी, मैंने कोई मैक्रो मोड यूज़ नहीं किया फिर भी, और ओवरऑल सेचुरेशन भी कोई ओवर सेचुरेटेड नहीं आई है फ़ोटो, या ओवर बहुत ज़्यादा सैटरेंट भी नहीं है फ़ोटो। देख सकते हैं काफ़ी बैलेंसिंग है फ़ोटो और काफ़ी हद तक काफ़ी सही लग रही है फ़ोटो। और भी कुछ कुछ सैंपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है जो नॉर्मल कैमरा से मैंने नॉर्मल मोड से क्लिक किया है, ये है इसका वाइड एंगल, आप देख सकते हैं कंपैरिजन, ये नॉर्मल मोड और ये वाइड एंगल, ये मैंने वाइड एंगल से क्लिक किया है। तो वाइड एंगल में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है क्वालिटी में, देख सकते हैं आप बिल्कुल शार्पनेस नहीं है जब मैं फ़ोटो को जूम करता हूँ तो। और ये अपनी नॉर्मल फ़ोटो है, हाँ नॉर्मल में हमें थोड़ी फ़ोटो की शार्पनेस देखने को मिल जाती है, लेकिन जब हम वाइड एंगल में क्लिक करते हैं तो वाइड एंगल में फ़ोटो की शार्पनेस ख़त्म हो जाती है। तो ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये मेरे एक फ्रेंड की मैंने फ़ोटो क्लिक की थी, ये वन प्लस नॉर्ड कैमरा से, ये नॉर्मल मोड से मैंने क्लिक किया है, इसमें कोई पोर्ट्रेट का यूज़ नहीं किया है। तो अब मैं आपको पोर्ट्रेट दिखाता हूँ वही सेम प्लेस का। तो ये देख सकते हैं आप, ये एक पोर्ट्रेट मोड है, पोर्ट्रेट मोड से मैंने इस फ़ोटो को क्लिक किया है। तो ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन तो काफ़ी सही है काफ़ी हद तक, पर कुछ कुछ चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ, अगर हम फ़ोटो को जूम करें तो कानों के पास यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ब्लरी हो गया है, यहाँ पे कान के ऊपर उसने ब्लर किया ही नहीं है, बाल कुछ कुछ जगह से ब्लरी हो गए हैं। तो शायद अगर इनके सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ अगर ये ठीक हो जाए तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा होगा। ओवरऑल ऐसे कुछ हम अगर इसे जूम करके देखें तो ही पता चलता है, ऐसे दूर से तो कुछ पता नहीं चलता हमें। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये जो इमेज जो ऑप्टिमाइजेशन होती है इसकी पोर्ट्रेट मोड में, वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप अगर फ़ोटो क्लिक करेंगे तो पहले वो आपको नॉर्मल दिखेगी, देन वो सडनली पोर्ट्रेट मोड में कन्वर्ट हो जाएगी, वो चीज़ आप देखिए। तो अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा के सेल्फ़ी की, 32 मेगापिक्सल से हमें कैसी सेल्फ़ी मिलती है। तो ये फ़ोटो मैंने क्लिक किया इसके 32 मेगापिक्सल वाले फ्रंट कैमरा से, तो देख सकते हैं फ़ोटो काफ़ी अच्छी आई है, यहाँ हमें अच्छी डिटेल्स भी देखने को मिल जाती है फ़ोटो में, अच्छी क्लैरिटी और डिटेल्स हमें देखने को मिल रही है फ़ोटो पे। इसका वाइड एंगल कैमरा भी चेक कर लेते हैं, जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। तो ये सेल्फ़ी मैंने लिया था अल्ट्रा वाइड कैमरा से, और ये है नॉर्मल सेल्फ़ी, ये है अल्ट्रा वाइड कैमरा का, तो आप कंपेयर कर सकते हैं देख के। तो अल्ट्रा वाइड कैमरा में आप देख सकते हैं हमें इतनी कुछ ज़्यादा डिटेल्स देखने को नहीं मिलती, यहाँ हमारी सारी डिटेल्स ख़त्म हो जाती है हम अगर फ़ोटो को थोड़ी सी जूम कर दे तो। ओवरऑल अगर फ़ोटो नॉर्मल है तो हमें सही लगती है, ओवरऑल फ्रंट कैमरा का इंप्रेशन भी सही रहा, हमें अच्छी फ़ोटो मिल जाती है फ्रंट कैमरा में। तो देख सकते हैं आप नाइट मोड का, मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ कि इसके नाइट मोड का क्या इंप्रेशन है। तो ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये मैंने नॉर्मल कैमरा से नॉर्मल मोड से क्लिक किया था, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका नाइट मोड। तो ये आप देख सकते हैं नाइट मोड काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो चीज़ें विजिबल नहीं हो रही थी वो सब भी इस अब नाइट मोड में विजिबल हो रही है। तो इसकी नाइट मोड तो काफ़ी दमदार लगा मुझे, काफ़ी तगड़ा है इसका नाइट मोड देख सकते हैं आप। और क्लैरिटी की तो हम बात ना करें तो ठीक है, क्लैरिटी एंड ऑल नाइट मोड में हमें ऐसे ही फ़ोटो मिलेगी। तो नाइट मोड ओवरऑल मुझे काफ़ी सही लगा, आप कंपैरिजन देख सकते हैं नॉर्मल मोड और नाइट मोड के बीच में। तो इस फ़ोन पे स्लो मो शूट होता है 1080p पे 240fps का स्लो मोशन, और देख सकते हैं आप इसकी क्वालिटी वीडियो की सही है, नहीं तो बाकी कोई भी हम फ़ोन पे करें तो उसकी क्वालिटी मतलब एकदम से ख़राब ही हो जाती है, पूरा फ़ोटो डार्क लगने लगती है, लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी कूल लग रही है स्लो मो वीडियो यहाँ पे। तो ओवरऑल मैंने आप सभी को सारी कैमरा सेटिंग्स और कैमरा के सारे फीचर्स के बारे में आपको सभी को बता दिया। तो मुझे लगता है ओवरऑल प्राइस के हिसाब में कैमरा काफ़ी सही है, अगर वन प्लस को हमें इस प्राइस रेंज में अगर इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती है तो काफ़ी सही है। बट
कुछ कुछ चीज़ें जो इम्प्रूव हो सकती थी, जैसे हमें अगर 120 fps या 240 fps ऐसे कुछ मिल जाती 4K या 1080 पिक्सल पे तो काफ़ी बेटर होता वो। बट ओवरऑल मुझे काफ़ी पसंद आया इसकी कैमरा के फीचर्स और काफ़ी सही लगे मुझे। और आपको कैसे लगा कमेंट में जाकर ज़रूर बताना, या आपको कुछ गलत लगा या सही लगा वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर जाके बता देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वाली वीडियो पे। उम्मीद रखता हूँ वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छी लगी हो, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलेंगे अगली वाली वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।